हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जहाँ से आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा होगा, जहाँ से ख़त्म हुआ था ना, तो नेक्स्ट वाला वीडियो जस्ट वहीं से स्टार्ट हुआ है। और यहाँ पास जैसे कि जब जो रात में हवन हुआ है, उसमें जितनी भी दान दक्षिणा जो भी मतलब चीज़ें दी जाती हैं, वो सारी चीज़ें दे दी गई थी। और आज ना हवन का समापन दूसरे दिन किया जाता है, तो इसमें बहुत सारी पूजा पाठ होती है। तो यहाँ पास गऊ का दान यानी गाय का दान दिया जाता है। करीब ना जो पूजा पाठ का समापन ही है, बस आज थोड़ा बहुत जो भी है वो पंडित जी पूजा पाठ करा रहे हैं। बहुत सारे नियम होते हैं, बहुत सारा मतलब पूजा पाठ होती है सब चीज़ करने में। तो बस यहाँ पास मतलब तीन बार या पांच बार घूम के, और कान में पता नहीं क्या बोलते हैं, कुछ बोलते हैं यहाँ पर मम्मी पापा ने दोनों ने कान में कुछ ना कुछ बोला है। और बस थोड़ा बहुत, और यहाँ पास इसे दूध का बनाया गया था, तो ये इसका ना फिर प्रसाद सबको लेना है। और पंडित जी यहाँ पास कुछ पढ़ रहे थे, साथ साथ ना पापा जी को भी वही चीज़ पढ़ना था जो पंडित जी बोल रहे थे, रिपीट करना था। और बस लास्ट की पूजा, इसके बाद आंगन में लास्ट हवन होने वाला, सारी चीज़ें जो भी सामग्री हाँ थोड़ी बहुत जो हवन की थी ना लास्ट में, सारा यहाँ पर समापन कर दिया गया है। इसके बाद ना कन्याओं को बैठाया गया, कन्या खिलाते हैं इसे होम के पहले। और बाहर खाना पीने की तैयारी पूरी चल ही रही है, जो आप लोग आगे वीडियो में ना देखने को ऑलरेडी मिलेगा। बस बच्चों को पहले पैर धुलाया गया, टीका लगाया गया, इसके बाद महावर लगाया गया है। और यहाँ पास ना फिर बच्चों को खिलाया, पहले कन्या खाएंगी, इसके बाद जो सबका खाना है भोज वो फिर बाद में ना शुरू होगा। फिलहाल 1 या 1:30 बजे के आसपास का टाइम रहा होगा, सब लोग आंगन में बैठे हैं। इसके बाद जो सत्यनारायण के मतलब विराजमान किया गया था मानस होने से पहले, तो मानस जो होती है ना, उसका समापन के बाद भी यहाँ पास कथा होता है, जो भी थोड़ी बहुत पूजा पाठ होती है ना, तो वही यहाँ पास चल रही थी। इसके बाद ये पूजा पाठ खत्म होगी ना, तो इसके बाद जो मानस हो रही है वो भी, उसका भी समापन कर दिया जाएगा। और बस सब लोग बैठे थे, गेस्ट धीरे धीरे ना आना शुरू हो गए थे। आज भंडारा था उसका, और पूजा भी मेरी फिलहाल मेरे साथ ख़त्म ही हो गई है, थोड़ी बहुत और जो बाकी रही होगी। इसके बाद ना सब लोग खाना पीना खाने लगे हैं, तो जैसे कि समापन हो गया था, कन्या खाना खा ली थी, इसके बाद ना सब लोगों जितने भी गेस्ट आ गए थे, सब लोग खाना पीना शुरू हो गया था। तो यहाँ पास थोड़ी सी क्लिप बच्चों को मैंने बोला था बनाने के लिए। इसके बाद आंगन में ना सब लोग बैठे हुए हैं, जैसे कि जो जो जा भंडारा हो गया है, जो बहन जो जो लोग भी आई थी ना, सब लोग जाने लगी हैं अपने अपने घर। तो वहीं पास यहाँ ना प्रसाद देने के लिए है यहाँ पास, तो वही सारा चीज़ें बन रही थी। और सब लोग ना बैठे हुए, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, इकट्ठा हो गए। और प्रसाद में जैसे कि फूटा था जो रोट बनी थी वो, और थोड़ा बहुत मीठा उठा डाल के ना ये पूरा रेडी कर रहे थे प्रसाद का, एक पॉलीथीन में पैक कर करके। आज रात का टाइम है, तो यहाँ पास ना खाना पीना आंगन में बन रहा था, क्योंकि सब्जी उब्जी तो दोपहर की ही, जैसे कि भंडारा की सब्जी बच गई थी उसी की, और बस गरम गरम रोटियाँ बन रही थी। तो दूसरे वाले आंगन में ना सब लोग खा रहे थे, और सब लेडीजें तो इस मतलब जहाँ अभी है इस आंगन में सब लोग बैठे हुए थे, और सबके ना बातें भी चल रही थी, तो सब लोग ना इकट्ठा हुए हैं। तो और बस गरम गरम रोटियां एक एक करके ना, दूसरे कोई मतलब रोटी आधी कोई दूसरा सेक रहा है, ऐसे करके ना काम चल रहा है। तो यहाँ पास ना सब लोग जैसे कि बैठे हुए थे, तो अच्छा भी लग रहा था, और सब लोग ना बातें भी कर रहे थे। इसके बाद ये नेक्स्ट मॉर्निंग की क्लिप है, तो यहाँ पास मैंने रख दिया है चाय बनने के लिए। आलू रख दिया था बॉयल करने के लिए, क्योंकि छोला बनाना है, तो आलू बॉयल हो चुके हैं, छोला अभी रह गए हैं, तो इनको भी फ़िलहाल मैं रख देती हूँ बॉयल करने के लिए। और
दूसरे साइड रखी हुई है चाय बनने के लिए, जैसे कि चाय मैंने रखा था तभी नहीं है। इसके बाद ना छोले वोले बॉयल करने के बाद सब चीज़ आगर में दे दिया गया है, सब्ज़ी बन रही है चूल्हे में। और यहाँ पास सब लोग ना सुबह सुबह बैठे हुए हैं, बातें भी कर रहे हैं, कोई नहा के धीरे धीरे आ रहे हैं एक एक करके, क्योंकि फिर खाना भी बनाना है सबके लिए। तो एक एक करके ना सब लोग नहाने लगे हैं, सब्ज़ी तो फिलहाल बन रही है और रह जाएंगी रोटियाँ बनाने के लिए, तो वो हम लोग बनाएंगे। तो अभी सुबह का करीब ना 8:30 बजे के आसपास का टाइम हो गया है, थोड़ा सा ना ज़्यादा ही हो गया होगा। और बस जैसे कि अभी आप लोग ने देखा सब्जी बन रही है, हम लोगों ने पूरी तैयारी करके दे दी है। और एक जिठानी है नहा ली है तो आटा लगा रही है, और मैं फटाफट सारी पुलिस भी इस तरह से ठीक ठाक करती हूँ। और इधर पड़े हुए ढेर सारे कपड़े तो ये पड़े ही रहेंगे, इनको जबलपुर जाके ही धुलने वाली हूँ। बाकी का रोज़ वाले तो धुल लेती हूँ, बाकी के सबके आधे धुले हैं आधे ऐसे ही गंदे पड़े हुए हैं। तो चलिए इनको फटाफट से मैं ठीक ठाक कर लेती हूँ और इसके बाद चलते हैं फटाफट से नहाने के लिए। और एक एक करके ना सभी लोग लगे हुए हैं नहाने में, क्योंकि बहुत सारे सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं ना, तो फिर आराम से एक करके और फिर जैसे जो नहा के आता जाता है और फिर खाने में लग जाता है। तो चलिए बिस्तर ठीक कर देती हूँ पहले और फिर चलते हैं नहाने के लिए। आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, अगर आप लोगों को आजकल के ब्लॉग पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर के बाद। और इसके बाद जो हवन कुंड था तो इसको मतलब एक पटिया रख के उसमें चीप रख के उसको पैक कर दिया गया है, क्योंकि एक साल बाद जैसे इस दिन होम हुआ है फिर इसको ना निकाल के पूजा पाठ करके निकाल दिया जाएगा। और यहाँ पास ना खाना भी बन रहा था, जैसे कि देख रहे हैं रोटियाँ बन रही है, बाकी खाना पीना बन चुका है, बस रोटियाँ बनती जा रही हैं। सब लोग ना ब्रेकफास्ट धीरे धीरे करके करते भी जा रहे हैं। और जैसे कि जो जहाँ सत्यनारायण जी की कथा हुई थी, तो हमारे यहाँ जो कुल देवता हैं भैरव बाबा जी, तो उनको ना लेके आया जाता है, उनको बुलाया जाता है पूजा पाठ से पहले। अब उनका ना वन कहते हैं ना पहुँचा के भी आते हैं मंदिर में, तो वहीं पास यहाँ पास ना सब लोग जा रहे थे। और साथ ही साथ जो अब हवन हुआ था तो बेंदी छापते हैं ना, तो उसका भी जो भी होम होम का जो पूरा था उसको भी लेके जा रहे हैं तालाब में बहाने के लिए। तो यहाँ पास पहले जाएंगे भैरव बाबा की मंदिर, फिर जाएंगे तालाब। ये हो गई है मंदिर, आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा ब्लॉग में, जब भी हम लोग आते हैं तो यहाँ का पक्का करना शूट करती हूँ मैं। तो पूरे मंदिर को पहले परिक्रमा मतलब करना है, और इसके बाद जो भी मैं नहीं गई थी, बच्चों को मैंने फ़ोन भेजा था तो बच्चों ने थोड़ा बहुत शूट किया है। और जो भी यहाँ का पूजा पाठ होता होगा, जैसे कि भैरव बाबा जी को लाते टाइम किए होंगे, तो वैसे भी पूजा पाठ करके यहाँ उनका प्रॉपर, तो वही यहाँ पास सब लोग बहुत सारे लोग गए थे और कलश वलश पूरा मतलब जला के, और बस जो सब लोग गए थे सब लोगों ने पूजा पाठ किया होगा, भगवान जी को नहलाना, नारियल तोड़ना, अगरबत्ती जलाना, सब लोगों का यही यहाँ पास हवन हवन चल रहा था। नारियल तोड़ के ना हवन करेंगे पहले भैरव बाबा के, मतलब नारियल तोड़ने के बाद चढ़ाएंगे, इसके बाद हवन कुंड में हवन करेंगे और फिर आगे अब देखते हैं। आप लोग आगे आगे देखिए कि कहाँ जा रहे हैं, मम्मी हैं, जेठानी, मतलब कुछ लोग आए, कुछ लोग की खाना पीना भी बनाना था तो सब लोग तो नहीं आ सकते थे। इसके बाद अब यहाँ से जा रहे हैं वापस खेतों से होके, और गांव में तो पता है कि खेती होती है तो बढ़िया हरियाली रहती है, जैसे कि अभी आप लोग देख सकते हैं गेहूँ है, चना है, सभी चीज़ ना यहाँ मतलब बोया हुआ है। बच्चे यहाँ पास जैसे चने की साग होती है वो तोड़ तोड़ के ना बीच बीच में मस्ती भी कर रहे थे, खा रहे थे। और अभी भैरव बाबा गए हैं, इसके बाद तालाब वालाब जाना है, तो वहीं बच्चे सभी लोग ना जा रहे हैं। ये हो गया तालाब, और यहाँ पास ना जैसे कि हवन का पूरा ना जो विसर्जन करते हैं तो वो यहीं करने के लिए फूल वूल जितना भी चीज़ें थी करने के लिए आए हुए थे। और ये कोई मंदिर तालाब, और यहाँ पास सारा ना विसर्जन कर दिया गया है, पूजा पाठ का सामान का जितना भी फूल पत्ती जितना भी था वो सारा। और
और फिर इसके बाद आप सारे ना घर आ जाएंगे, क्योंकि पूजा पाठ समाप्त हो गई है, होम हो गया है, और बस अब एक एक करके ना सब लोगों के जाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, क्योंकि सब लोग जैसे कि हवन में आए थे, और इसके बाद ना सबको अपने अपने जो जहाँ रहता है, क्योंकि बच्चे पढ़ते हैं तो किसी के ना पढ़ाई मिस भी नहीं होनी चाहिए, तो एक दो दिन में ना धीरे धीरे करके सब लोग जाने भी लगेंगे। और अच्छा लगा, सब लोग इकट्ठा होते हैं ना तो अच्छा लगता है, और क्योंकि सब जगह हर सब लोग ना अलग अलग रहते हैं, बच्चे किसी के कहीं पढ़ते हैं किसी के कहीं, तो सब लोग ना अलग ही रहते हैं। जब इकट्ठा होते हैं ना तब अच्छा लगता है सब लोग, क्योंकि रोज़ तो किसी का इतना ज़्यादा रहना नहीं होता है। तो चलिए, इसके बाद ना कपड़े छत में डले हुए थे तो वो मैं यहाँ पास निकालने के लिए आ गई, तो जो कुछ सब कपड़े सूख गए, कुछ कपड़े गीले हैं तो फिलहाल अभी डले रहेंगे, क्योंकि हल्की हल्की धूप थी इसलिए, और जब तक मतलब रात नहीं हो जाएगी इसके बाद में निकाल ले जाएंगे। सबके कपड़े डले हुए हैं और बच्चे यहाँ पास पतंग उड़ा रहे हैं छत में ही, और इसके बाद यहाँ पास बनने लगी है जलेबी, तो जो बनाने वाले के लिए आए हुए हैं, और बस शाम का टाइम हो गया। इसी के साथ ना इस ब्लॉग को मैं ख़त्म भी करूँगी। तो कैसी लगती है आप लोगों को मेरी आजकल की ब्लॉग, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे कुछ आजकल के ब्लॉग चल रहे हैं, जो मतलब मेन चीज़ होती है वही मैं ज़्यादा कर कोशिश करती हूँ शूट करने की, बाकी के तो डेली लाइफ के जो ब्लॉग आते हैं वो आप लोग तो देखते ही होंगे, तो थोड़ा सा डिफरेंट मैं शूट करने की कोशिश कर रही हूँ। इसके बाद यहाँ पास सब लोग बैठ गए हैं और बनाने लगे हैं सब्जी भाजी के, शाम की तैयारी होने लगी है रात के खाने की, और बच्चे लग गए हैं पूजा पाठ करने में। तो छोटे बड़े सारे बच्चों की ना ड्यूटी लगी हुई है पूजा करने की, यहाँ तो पहले मंदिर की साफ़ सफाई करेंगे, इसके बाद ये पूजा दिया हुआ जो शाम की होती है तो वो जलाएंगे। और इसी के साथ मैं इस ब्लॉग ख़त्म भी करूंगी। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग।